नमस्कार, आप देख रहे हैं BHBC न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना करने वाले यानी कि गोविंदा को पूरे 55 साल हो गए हैं। एक बेहद उम्दा डांसर और अभिनेता जिसकी फिल्मों ने हंसाया भी और रुलाया भी। एक समय जिनका वर्चस्व ऐसा था कि फिल्म में कॉमेडी के लिए सिर्फ गोविंदा को याद किया जाता था, वह दौर जब फिल्में बहुत ही पारिवारिक होती थी। साथ ही एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें संघर्ष करना पड़ा। चलिए आज हम आपको उनसे लाइफ से जुड़ी कुछ बातों को दिखाते हैं। नब्बे के दशक के सुपरस्टार गोविंदा 55 साल के हो गए हैं। गोविंदा के बारे में क्या कहा जाए। गोविंदा ने अपनी फिल्मों, अपने गानों, अपने खास डांस स्टाइल और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। एक वक्त था जब हर कोई गोविंदा का दीवाना हुआ करता था। बच्चा बच्चा उनकी फिल्में और उनके डांस स्टाइल का फैन हुआ करता था। गोविंदा भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि बॉलीवुड फिल्मों में अपनी काम की वजह से जाने जाते हैं। लोग प्यार से उन्हें चीची भी कहते हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे। 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया। गोविंदा की माता नजीम मुस्लिम थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी फिल्म अदाकारा थी। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में हास्य रस से भरपूर फिल्मों के दौर को फिर से अस्तित्व में ला दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, गोविंदा ना सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। हीरो नंबर वन, राजा बाबू जैसी फिल्में आने वाले लंबे समय तक गोविंदा की मुस्कुराती कलाकारी का नमूना बनकर रहेंगी। बॉलीवुड में आज बेशक गोविंदा को लोग समोसा के आलू की तरह मानते हो, लेकिन एक समय था जब गोविंदा का मतलब हुआ करता था हिट फिल्में। जिस समय गोविंदा अभिनय की दुनिया में आए थे उस समय अधिकतर एक्शन फिल्मों की भरमार थी। ऐसे समय में गोविंदा ने लीड से हटकर कॉमेडियन रोल करने का साहस दिखाया और उसमें वह कामयाब भी हुई। 1980 के समय में गोविंदा ने बहुत ही पारिवारिक ड्रामा, एक्शन, रोमांस से भरी फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई थी। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार असफलता मिल रही थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की और एक सुपरहिट फिल्म दी, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। आने वाले दशकों में उन्होंने 1992 की फिल्म शोला और शबनम में NCC कैडेट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया था। गोविंदा की शादी सुनीता आहूजा से हुई। उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम नर्मदा आहूजा और यशवर्धन आहूजा है। गोविंदा के करियर की शुरुआत फिल्म इल्जाम से शुरू हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके काम की सभी ने सराहना की। 1990 से 1999 के बीच का समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने तो सराहा ही, इसके साथ ही साथ उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी मिली। गोविंदा बेहद ही शानदार कलाकार हैं। बच्चे और बड़े उनकी तरह बनने की नकल करते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में दो किरदार भी निभाए हैं और फिल्म हद कर दी आपने में तो उन्होंने हद ही कर दी जब एक ही परिवार के 6 अलग अलग सदस्यों का किरदार भी उन्होंने खुद ही निभाया था। उन्हें नंबर वन का खिताब भी हासिल है क्योंकि उनकी 6 फिल्मों के नाम के अंत में नंबर वन लगा हुआ है। जोड़ी नंबर वन, कूली नंबर वन, आंटी नंबर वन जैसी 6 फिल्मों में उन्होंने लगभग अपने समय के हर अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी डांसिंग स्किल्स की दुनिया दीवानी है और फिल्म इंडस्ट्री में वे एक अच्छे डांसर के रूप में भी मशहूर है। डांस के साथ चेहरे पर वैसे ही भाव रखने की कला में शायद ही कोई उनसे बेहतर हो। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई से उनकी नियुक्ति संसद भवन के सदस्य के रूप में की गई। चुनाव में वे 50,000 वोटों से जीते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब गोविंदा को एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा। 5 जनवरी 1994 को खुद्दार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जानिए क्या था वो।
5 जनवरी 1994 को खुद्दार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और इसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट करने से इनकार नहीं किया, बल्कि डॉक्टर को एक बार दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था। गोविंदा को अपने करियर में एक बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपने करियर के बुरे दौर में यह महसूस किया है कि इंडस्ट्री में लोग सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो कामयाब होता है। गोविंदा ने कहा कि उनके लिए वह काफ़ी मुश्किल दौर था क्योंकि इंडस्ट्री कुछ लोगों के हाथ में है। यह गोविंदा का कहना था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।